हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर अगर बात करें हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर की, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि सॉफ्टवेयर कैसा है यहाँ पर। ये तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सेस को ओपन करते हैं। तो ये एक्सेस 2007 भी है मेरे पास, 2021 भी है। आप जिस पर काम करना चाहें उस पर काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई भी अगर आप किसी पर भी काम करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो समझिएगा इस चीज को। अब इसको पहले क्लोज करता हूं, यहां से 2021 ही हम ओपन कर लेते हैं। यहां पे 2021 थोड़ा कन्वीनियंट है इन कंपेरिजन टू 2007। तो यहां पर ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कीजिएगा और जैसे क्लिक करेंगे ये सिनेरियो आएगा। आप देखिए यहां पर आएगा आपको क्रिएट ब्लैंक डेटाबेस का नाम। आप चाहे तो इस डेटाबेस का नाम चेंज भी कर सकते हैं। यहां से क्रिएट पे क्लिक करिएगा, ये आएगा, ठीक है। अब यहां से व्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। यहां पर टेबल का नाम आपको देना है, जैसे मैं यहां पर कर देता हूं एम्प्लॉई टेबल का नाम दे देता हूं, या यहां पर कर देते हैं हम स्टेट STATE। तो ये हो गया स्टेट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां पर स्टेट हमने किया है और यहां पर आईडी फील्ड रहने देते हैं, हमें फिलहाल यहां पर स्टेट की जरूरत है। तो ये स्टेट कर दिया हमने और यहां पर स्टेट का डेटा टाइप क्या रखा है, शॉर्ट टेक्स्ट। और यहां व्यू पे क्लिक करेंगे और व्यू पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अब देखिए यहां पर स्टेट का नाम मैं डाल रहा हूं, जैसे यूपी डाल दिया हमने, यहां पे कर दिया एमपी और यहां पे कर देते हैं बिहार। तीन स्टेट के नाम मैंने रखे हैं, ठीक है। आप और भी स्टेट के नाम रख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जो डिपेंडेंट हो, और एक्सेल पर आपको मजा नहीं आएगा, इस तरह के सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएंगे आप, ठीक है। क्योंकि यहां पर ये डेटाबेस है और डेटाबेस के अंदर कीज का फैक्टर है और भी बहुत सारी चीजें हैं डेटाबेस में जो मैंने पहले भी बता रखा है। तो यहां पर मजा नहीं आएगा सॉफ्टवेयर बनाने का, तो इसीलिए मैं एक्सेस पे ये सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हूं। तो ये स्टेट का एक टेबल हो गया, ठीक है। फिर यहां से क्रिएट पे गए, फिर टेबल पे गए, फिर यहां से व्यू पे गए और व्यू पे जाकर के यहां पर एक सिटी की टेबल अलग से बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी सिटी की टेबल और यहां से जाके ओके कर दीजिएगा और ओके करने के बाद यहां पर ये आएगा ऐसे, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां पर स्टेट वाली टेबल में स्टेट को प्राइमरी की बनाना, आईडी को नहीं। ये आईडी प्राइमरी की नहीं रहेगी, स्टेट प्राइमरी की रहेगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये प्राइमरी की बनाना है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और बाकी यहां सिटी वाले टेबल में आएंगे तो सिटी प्राइमरी की होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर अगर आप सिटी लिखते हैं तो सिटी ही प्राइमरी की होगा, आईडी प्राइमरी की नहीं होगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर राइट क्लिक करके प्राइमरी की बना दीजिए इसे और यहां से ओके कर सकते हैं आप, या आईडी को डिलीट ही कर देते हैं, आईडी का कोई काम नहीं है, ठीक है। और यहां से ओके कर दिया और ओके करके इस तरीके से आगे, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं ना कि ये जो सिटी है, यहां पर सिटी के नाम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पे देवरिया आ गया, फिर यहां पर आएंगे तो यहां गोरखपुर आ गया, ठीक है। यहां पर आएंगे तो यहां पे लखनऊ आ गया, LUCKNOW। यहां पे सिवान कर देते हैं, SIWAN, ठीक है। यहां पे बस्ती कर देते हैं, एंटर करेंगे। फिर यहां पे बाराबंकी कर देते हैं, बाराबंकी, ठीक है। ये सब यूपी के स्टेट के नाम, यूपी के जिलों के नाम है, ठीक है। तो यहां पर आकर के फिर यहां पे कर देते हैं वाराणसी, ठीक है। तो ये वाराणसी भी हो गया और फिर यहां पर क्या करेंगे, यहां पे कर देंगे छपरा, ठीक है। तो ये छपरा लिख दिया और फिर यहां पर आएंगे तो आगे और भी नाम, पटना कर सकते हैं आप, ठीक है। और यहां पे आएंगे तो इटारसी, ये कर दिया इटारसी, ठीक है। फिर यहां पर आएंगे तो यहां पे सतना, ठीक है, क्योंकि एमपी के भी सिटीज के तो नाम होने चाहिए, ठीक है। और यहां पे मैहर, एक और नाम लिख दिया हमने यहां पे मैहर, ठीक है। तो ये करके अब क्या करना है, यहां से इसको क्लोज करना है और क्लोज करके अब आप देखेंगे कि यहां पर ये सिटी की टेबल बन गई है। लेकिन एक इसमें कमी ये है कि हमें यहां पर स्टेट भी चाहिए होगा, तो यहां पे लिखा है STATE स्टेट और यहां से जाके लुकअप विजर्ड से जाएंगे। ये लुकअप विजर्ड आपको दिख रहा होगा, यहां से जाना है और ऊपर वाला ही ऑप्शन आपको ये सेलेक्ट रखना है, नीचे वाले पे नहीं आना, ऊपर वाले पे ही रखना है। आई वॉन्ट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरी, और यहां से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और यहां से स्टेट वाली टेबल उठाइएगा और नेक्स्ट करिएगा और यहां पे स्टेट ले लीजिएगा और फिर यहां से नेक्स्ट करके और फिर यहां से फिनिश पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहां पर एक रिलेशनशिप भी क्रिएट होगी, तो ये जो है ना ये कुछ इस तरीके से आएगा, देखिए यहां पर ये देख रहे हैं, तो ये काफी जबरदस्त है। और यहां पे अब बाराबंकी तो यूपी में है, यहां से आप सेलेक्ट करिए एक एक करके, ठीक है। ड्रॉप डाउन आपकी बन जाएगी बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। यहां पे क्लिक कीजिए, यहां पे जो भी यूपी वाला है उसको यूपी में डालिए, बिहार वाला है बिहार में डाल दीजिए, इस तरीके से ये बिहार कर दीजिए ये, फिर यहां पर एमपी हो जाएगा, फिर यहां पर ये बिहार हो जाएगा और ये फिर जो है यूपी हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपको करना है। और अब इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करके क्या करना है, एक फॉर्म डिजाइन करना है। तो क्रिएट पे जाएंगे और यहां पर मिलेगा आपको फॉर्म डिजाइन, और यहां पे ये भी मिलेगा फॉर्म विजर्ड। तो विजर्ड से चलते हैं, इस बार विजर्ड से गए और यहां पर आकर के स्टेट को चूज कीजिए और यहां से आप स्टेट एक ले लीजिए, ये स्टेट हो गया। और स्टेट लेने के बाद सिटी ले लीजिए, तो ये सिटी हो गया, ठीक है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर स्टेट हमने ले लिया, सिटी ले ली, चलिए ठीक है। और यहां से नेक्स्ट करिए, और नेक्स्ट करके यहां पे हम टेबुलर फॉर्म में डेटा को रखेंगे और यहां से नेक्स्ट करेंगे और ये मॉडिफाई डिजाइन पे जाके और यहां से फिनिश करेंगे। तो ये इस तरीके से सब फॉर्म ओपन हो जाता है, ठीक है। हम यहां पर इसे, हमने इसे डिजाइन व्यू में ले रखा है, देख सकते हैं ये। और यहां पर स्टेट आ रहा है तो मैं इसे हटा देता हूं और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा और कंट्रोल करके इसका कलर वगैरह थोड़ा सा बदल लेंगे। तो यहां होम टैब पे जाके यहां से देखिए ये जो है डार्क कलर में इसे कर देंगे और कंट्रोल करके और वापस से इसे बोल्ड भी बना देंगे, ठीक है। तो ये सब करने के बाद क्या करना है, इसको क्लोज करिएगा और क्लोज करके नीचे आइएगा और नीचे आने के बाद थोड़ा सा यहां पर इस तरीके से आपको काम करना है। ये देखिए, ये क्लिक करिए और इसको छोटा बड़ा बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। और ये करने के बाद यहां से व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको बिहार जब सेलेक्ट करेंगे तो केवल जो है देखिए यहां पर बिहार के ही सिटीज के नाम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत इसमें है, इसके लिए हम क्वेरी बनाएंगे। कैसी क्वेरी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, आइए दिखाता हूं। यहां पे अभी कौन सी चीज सेलेक्ट है, स्टेट सेलेक्ट है ये वाला, ठीक है। क्वेरी कैसे बनेगी, क्रिएट पे जाके, क्वेरी विजर्ड पे जाके, इस बार विजर्ड से जाएंगे और विजर्ड से जाने के बाद सिंपल क्वेरी विजर्ड करेंगे और यहां पर हमारी टेबल है स्टेट वाली। स्टेट से हमें स्टेट उठाना है और सिटी से हमें सिटी उठाना है, ठीक है। और यहां से नेक्स्ट करिएगा, सिटी भी ले लीजिएगा, दोनों लेना है। नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट करिएगा और यहां से मॉडिफाई डिजाइन पे जाके और फिर फिनिश करिएगा। तो ये इस तरीके से ओपन होगा। अब यहां पर क्राइटेरिया में आकर के आपको करना क्या है, यहाँ पे फॉर्म के अंदर हम देखना चाहते हैं तो ये फॉर्म हमने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगाइएगा और कहां से देखेंगे तो स्टेट वाले फॉर्म से देखेंगे हम, ठीक है। और इसमें हम किसके बेस पे देखेंगे तो सिटी के बेस पे देखेंगे, किसके बेस पे, सिटी के बेस पे। तो यहाँ पे आपको सिटी ही सेलेक्ट करना है, CITY सिटी, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है, सॉरी स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट के बेस पे देखेंगे तो यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, सिटी नहीं बल्कि स्टेट। तो ये स्टेट पे क्लिक कर दीजिएगा और इस क्वेरी को आप सेव कर लीजिएगा। तो ये सेव हो गया स्टेट क्वेरी के नाम से, आप देख सकते हैं। लेकिन इसका एडवांटेज क्या मिला, जब भी आप बड़ा सॉफ्टवेयर बनाएंगे ना तो इसका एडवांटेज आपको समझ में आएगा। यहां पर भी आपको एडवांटेज दिखाता हूं कि क्या एडवांटेज है, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब इसके बेस पर जो है, इसके बेस पे आप रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो क्रिएट पे जाके यहां से विजर्ड से जाएंगे, विजर्ड से रिपोर्ट विजर्ड, तो ये रिपोर्ट विजर्ड पे गए हम और यहां से हमें क्वेरी चूज करनी है। तो ये स्टेट क्वेरी के बेस पे हम लेके आएंगे अपनी रिपोर्ट को। तो ये आए और ये इस तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट करके और फिर यहाँ पे आर कर देते हैं ताकि ये पता चले कि ये रिपोर्ट है, और यहां से मॉडिफाई डिजाइन पे जाके ओके कर दिया। तो अभी ये इस तरीके से आया है, थोड़ा सा इसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहां से जाके छोटा बड़ा बनाना हो तो आपको यहां से बनाना है, ठीक है। तो ये जाकर के इस तरीके से आप बना लीजिए ये ऐसे, ठीक है। और इसको यहां लेके आइए और ये जो स्टेट है इसको इस तरीके से करिएगा, ठीक है। और सिटी नीचे चला गया है तो यहाँ पे सिटी को लेके आइए। ये लेबल है आपका, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो लेबल को इस साइड रखिए और जो मेन आपका है, यानी कि देखिए ये जो है, यहां पर आएंगे तो देखिएगा ये आपका लेबल है और ये आपका मेन, यहाँ पे आपका स्टेट आएगा। तो यहां पर इसको कॉलम को छोटा बड़ा करके और यहां पर इस तरीके से इसको यहां पर प्लेस कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया और यहां पे स्टेट ऐसे, ठीक है। और यहां पर इन दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा डार्क वर्क कर लीजिएगा ताकि ये लुक सही आए, अच्छा आए। तो ये हो जाएगा, फिर यहां से व्यू पे जाइएगा और व्यू पे जाएंगे ना तो देखिए सिटी पटना आ रहा है, ठीक है। और स्टेट यहां पर उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, देख रहे हैं। इसमें एक काम और आप करेंगे, एक काम ये कर सकते हैं कि आप स्टेट कोड ले सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हमने किया है इसको, अब यहां पर जब आएंगे आप तो यहां पे बिहार सेलेक्ट है तो यहां पे आपको बिहार की ही डिटेल दिखेगी, ठीक है। अगर आप यहां पर कुछ और चूज कर लेते हैं, लाइक यहां से आप एक कॉम्बो बना सकते हैं
कॉम्बो कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए इस सबको सेलेक्ट करके एक ही बार में थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, एक बार में सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ से आएंगे थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और यहाँ से कॉम्बो लेते हैं। कॉम्बो कैसे आएगा, यहाँ से जाके और फिर ये देखिए ये आपका लिस्ट बॉक्स है और ये आपका क्या है कॉम्बो, तो यहाँ पर जाकर के इसको ड्रैग करवा लीजिएगा। जब ड्रैग करवाएंगे तो ये खुलेगा, थर्ड वाला ऑप्शन टिक करके ओके करिएगा और यहाँ पर हम स्टेट के बेस पे सिटीज को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके नेक्स्ट करके और फिर यहाँ से फिनिश कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब जाएंगे ना तो ये दिखेगा आपको, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिएगा एमपी, तो यहाँ पर एमपी की डिटेल आएगी, मतलब जो भी एमपी के जो सिटीज के नाम है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से आप बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं तो बिहार के सिटीज के नाम आपको दिखाई पड़ने लगेंगे, यहाँ पे देखिए ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और यहां से जाएंगे यूपी सेलेक्ट करेंगे तो यूपी के सिटीज के नाम दिखाई देंगे। तो ये सॉफ्टवेयर बनाने में काफी हेल्पफुल है और काफी कन्वीनियंट आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो डिपेंडेंट आप बना पाएंगे, ड्रॉपडाउन जो है ना डिपेंडेंट बना पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।